Good morning, students. Today our topic is complementary and alternative therapies. Complementaries and alternative therapies given by the WHO in 1978 के अंदर WHO के द्वारा complementary and alternative medicine एक alternative हीलिंग मॉडलिटीज के रूप में दी गई ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब ये जो थेरेपीज का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये परमानेंट या कन्वेंशनल थेरेपी नहीं है. मतलब कि जो एलोपैथिक सिस्टम है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक थेरेपीज है, वो सारी की सारी कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर आती है, जिनको कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज होने के बाद में लागू किया जाता है और करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. बट जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है वो कन्वेंशनल मेडिसिन ना होकर उनको को जंक्शन मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है. मतलब सहायक मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता है कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ है. मतलब एलोपैथिक सिस्टम के साथ में इनको कन्वेंशनल रूप में, साथ में अल्टरनेटिव रूप में काम में लिया जाता है. क्योंकि लोगों का अपने पर्टिकुलर जो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं इसके ऊपर काफ़ी फेथ भी होता है और इनका काफ़ी हद तक हीलिंग इफेक्ट भी होता है, ये स्ट्रेस को भी रिलीव करते हैं. तो ये जो मेडिसिन हैं लॉन्च की गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन NCCAM नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन का आर नॉट कन्वेंशनल मेडिसिन, दीज आर ओनली को जंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिसिन. ये खाली को जंक्शनल मेडिसिन है कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ में. सो बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं वेरियस काइंड ऑफ डोमेन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी. क्या क्या डोमेन्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन है इसके अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ टॉपिक्स है. देन माइंड बॉडी इंटरवेंशन मेडिटेशन. देन बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज. देन मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड्स. देन एनर्जी थेरेपीज. सो वेरियस काइंड ऑफ डोमेन्स आर यूज देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, किसके अंदर क्या कौन सी थेरेपी होती है और वो किस तरह से दी जाती है, कब इन्वेंट हुई थी और किस तरह से उसका पूरा पूरा प्रोसेस होता है. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम. बेसिकली अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है वो है एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी. ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है. इसके अंदर सबसे पहले आता है एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर के अंदर बेसिकली माना जाता है कि एक बॉडी के अंदर बॉडी फोर्स होता है जो कई बार वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहना चाहिए. बॉडी फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर रहना चाहिए और वो बॉडी फोर्स अगर इक्विलिब्रियम या बैलेंस में नहीं रहकर इररेगुलर हो जाए तो डिसऑर्डर या डिजीज कंडीशन अराइज हो जाती है. तो उन बॉडी फोर्सेस को कंट्रोल करना, उनको बैलेंस करना दिस थेरेपी इज नॉन एज एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर के अंदर उन सबको बॉडी फोर्सेस को जो बैलेंस किया जाता है. देन नेक्स्ट इज आयुर्वेदा. ये इंडिया का ही एक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में फेमस है. ये बेसिकली आज से लगभग 4000 साल पहले इंडिया के अंदर काम में लिया जा रहा है. इसके अंदर यह वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको डिस्कस करेंगे तो अगर इसको शॉर्टली अगर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, बॉडी माइंड स्पिरिट.
इन तीन चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं के अंदर अपन सब डिवीजन सब डिवाइड करके इसको बात करते हैं कि किन किन चीज़ों के अंदर डिफिकल्टी आती है तो डिसऑर्डर आर इंक्रीज, मतलब डिसऑर्डर या डिजीज हो जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, इन तीनों चीज़ों के अंदर अनइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का ना होना दैट विल कॉज डिसऑर्डर इन दी बॉडी। मतलब वात पित्त कफ के ऊपर आयुर्वेदा के अंदर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और मेंटल इलनेस को हील करने के लिए आयुर्वेदा के अंदर पंचकर्मा नाम से एक थेरेपी दी जाती है, उससे मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिलीव हो जाते हैं। देन होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर भी डाइल्यूटेड जो मेडिसिन की डोज है वो दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड मेडिसिन की डोज दी जाती है इन हायर डोज के अंदर, काफ़ी हायर डाइल्यूटेड इन हायर डोज, मतलब मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथिक के अंदर। और ये भी काफ़ी हद तक जो बॉडी के डिसऑर्डर्स हैं उनको हील करने में इम्पोर्टेंस रखती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज लाइक ए मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपी। जो मेडिटेशन वगैरह हम मन करते हैं, ध्यान योग करना, ये सब नेचुरोपैथी के अंतर्गत ही आता है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस माइंड बॉडी इंटरवेंशन। सबसे पहले आता है माइंड बॉडी इंटरवेंशन के अंदर मेडिटेशन। मेडिटेशन का सिंपल देखते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर सिंपल सिंबल पर ध्यान लगाना, केंद्रित होना, मतलब 21 मिनट तक किसी एक टॉपिक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाना सिंबल पे और डीप ब्रीथ करना, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं मेडिटेशन। ये स्ट्रेस को हील आउट करने में और सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर अपन ने प्रीवियसली पढ़ा ही था कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपीज होती है, लाइक योगा है, एक्सरसाइज है, बायोफीडबैक है, इन कई म्यूजिक है, प्ले है, इन कई सारी टेक्निक्स के थ्रू बॉडी स्ट्रेस को इमोशंस को रिलैक्स किया जा सकता है। देन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के बारे में प्रीवियसली देख ही रखा है कि हिप्नोटाइज करना किसी पेशेंट को बाय द थेरापिस्ट, जो उसके अंदर जो थॉट्स है, जो अंदर दबी हुई अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थॉट्स पड़ी हुई हैं उनको वापस कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आना, बाहर लेके आना, दिस प्रोसीजर नोन एज हिप्नोसिस। देन आर्ट म्यूजिक। आर्ट और म्यूजिक की थेरेपी के द्वारा भी माइंड एंड बॉडी का बैलेंस है जो किया जा सकता है। देन प्रेयर एक इम्पॉर्टेंस स्पिरिचुअल रोल रखता है। इमेजिनरी बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मीन्स जो भी बॉडी के पैरामीटर्स हैं लाइक हार्ट रेट है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह है, पल्स रेट है, इन सब को बाय द इंस्ट्रूमेंट मापना, उनको उनका मापना और माप कर आप उसकी एक फीडबैक देना, दिस इज नॉन एज बायोफीडबैक। और ये भी बायोफीडबैक बॉडी माइंड इंटरवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देन बॉडी माइंड, बॉडी एंड माइंड, देन स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, अलग अलग जो भी बैकग्राउंड्स है लोगों का, अलग अलग एरिया है, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी अलग अलग हो जाती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। देन बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरीज। बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बल, देन अरोमा थेरेपीज, देन स्पेशल डाइट थेरेपीज, देन विटामिन्स एंड मिनरल थेरेपीज। हर्बल, ये जो हर्बल है, हर्बल थेरेपी मोस्टली काम में ली जाती है आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा मेडिसिन के अंदर थेरेपी काम में ली जाती है। तो डिफरेंट काइंड की जो रूट्स होती है, पौधों की रूट्स है, पत्तियां हैं, उनका मिश्रण करके किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो हर्बल के अंदर ये बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज के अंदर हर्बल इस तरह से काम आती है आयुर्वेदा के अंदर। देन अरोमा थेरेपीज। अरोमा थेरेपीज के अंदर जैसे कि एक असेंशियल जैसे ऑयल्स होते हैं, असेंशियल ऑयल मतलब लाइक फ्लावर्स है, रूट्स है, उनके ऑयल निकाले जाते हैं और उनका बॉडी के ऊपर ऑल्फेक्शन नेयर्स के ऊपर उनको अप्लाई करना, तो वहाँ पर उनकी एप्लीकेशन से उनकी जो अरोमा है मतलब उनकी जो गंध है वो ब्रेन तक उनके सिग्नल पहुँचते हैं बाई दी नर्व्स, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। देन
स्पेशल डाइट थेरेपी, ये जो डाइट थेरेपी है, बैलेंस डाइट वगैरह है, जो भी किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए डाइट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देन वाइटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर द बायोलॉजिकल थेरेपीज। देन नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड्स, टी एंड चाय, देन योगा एंड मसाज। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड मेथड, टी एंड चाय, ये एक चाइना की तरफ से दी हुई सिद्धांत है, एक थेरेपी है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके, जो भी थॉट्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, डीप ब्रीदिंग के साथ में एक थेरेपी है, एक प्रोसेस पूरा का प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस बॉडी के अंदर स्ट्रेस को और सेल्फ इस्टीम को काफ़ी बढ़ाने में इम्पोर्टेंस रखता है। देन योगा के बारे में आप सभी को पता ही है, योगा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। देन मसाज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी थेरेपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थेरापीटिक टच, देन रिफ्लेक्सोलॉजी, देन लाइट थेरेपी। थेरापीटिक टच के अंदर अपन देखते हैं कोई भी जैसे पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर है या घर पे है कहीं पे, उसके ऊपर थेरापीटिक टच हाथ लगाने से विद वार्मनेस और विद रेस्पेक्ट रिगार्ड के साथ अगर हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वो देखा जाता है। देन नेक्स्ट रिफ्लेक्सोलॉजी है, रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर उसके हाथ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेशर देंगे प्रेशराइज करने से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है जो देखा जाता है रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर। देन लाइट थेरेपी भी उसको दी जाती है। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज। तो बेसिकली अपन ने देखा इसको एक बार दोबारा समराइज करके देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज, ये बेसिकली ये थेरेपीज हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है। कन्वेंशनल मेडिसिन का मतलब होता है जैसे कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है उसके लिए पर्टिकुलर आपको एलोपैथिक मेडिसिन है वो तो लेनी ही पड़ेगी, बट उसके साथ में कोजंक्शन उसके साथ में अपन ऐड कर सकते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज और मेडिसिन को, इन्हीं को अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज। तो ये अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या कौन कौन सी है, बेसिकली आयुर्वेदा है, एक्यूपंक्चर है, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी है जो WHO के द्वारा दी गई थी इन 1978 के अंदर, इनको प्रमोट किया गया। सो आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज। थैंक यू वेरी मच।